बद्रीनाथ धाम में पेयजल की किल्लत से उपभोक्ताओं को निजात नहीं मिल पा रही है। बता दें कि शाम के समय पानी की सप्लाई होती है, उसका फ्लो काफी कम है, जिसके चलते होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों में भारी आक्रोश है। बताया जा रहा है कि धाम में सबसे अधिक पेयजल की दिक्कत बस अड्डे वाले स्थानों में बनी हुई है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। जब से कपाट खुले हैं पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। यहाँ पर होटल व्यवसायी काफी परेशान है। पानी कभी आ रहा है 2-3 घंटे, बाकी दिन भर बिल्कुल बंद ही रह रहा है। यात्री भी इससे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। सुबह यहाँ पर यात्रियों को काफ़ी दिक्कत आ रही है और कई बार यहाँ पर ज्ञापन देने के बाद भी जल संस्थान की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कभी टैंकर, एक टैंकर इनके द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है सभी के लिए, जो कि पर्याप्त नहीं है। वो भी कभी 2-3 घंटे में ही यहाँ पर पहुँच पा रहा है अगर ऑर्डर करने के बाद। और ये काफ़ी पुरानी लाइन है, इसमें कोई नई लाइनें इन्होंने अभी बिछाई नहीं है और खाली आश्वासन दिया जा रहा है कि अभी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।